TVS Apache 182V, अगर ये बाइक आपके लिस्ट में है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आज इस वीडियो में हम आपको Apache 182V के कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे। हमने Apache 182V को रिव्यू भी किया है, उसको 162V से कंपेयर भी किया है। वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। सबसे पहला इस बाइक का पॉजिटिव पॉइंट है इसका पावर एंड पिकअप। इस बाइक का पावर एंड पिकअप बहुत ही जबरदस्त है। हर एक रेव रेंज में आपको अच्छा खासा पावर मिलता है। इनिशियल पिकअप से शुरू करके टॉप एंड तक हर एक RPM में आपको बेहतरीन पावर मिलता है। अब जब कभी भी गाड़ी को पुल करने की कोशिश करेंगे, ये बाइक आपको इंस्टेंट पावर प्रोवाइड करेगी। इस वजह से गाड़ी को चलाने का जो थ्रिल है, जो मजा है, वो आपको जरूर आएगा। दूसरा इस बाइक का बड़ा पॉजिटिव है इसका इंजन। इसका इंजन बहुत ही बेहतरीन है। TVS जानी ही जाती है अपने इंजन के लिए। इस बाइक में आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, इस वजह से जो हीटिंग इशू है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और इस बाइक में अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तो वहां पर इंजन जो है वो ठंडा रहता है, इस वजह से आपको पावर बेहतरीन मिलता है इस बाइक से। तीसरा इस बाइक का बड़ा पॉजिटिव है इसका हैंडलिंग। इस बाइक को आप सिटी में चला लीजिए, डेली ट्रैफिक में चला लीजिए, या फिर एकदम टाइट पार्किंग में पार्क करें, हर एक जगह पर इस बाइक में हैंडलिंग आपको बेहतरीन मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आप शॉर्ट राइडर हैं तब भी इस बाइक को आप आराम से मैनूवर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीट हाइट कंपटीटिवली कम है। चौथा इसका बड़ा प्लस पॉइंट है इसका एग्जॉस्ट नोट। इस CC सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आपको इतना बेहतरीन एग्जॉस्ट नोट ऑफर नहीं करता है। इस बाइक में जो एग्जॉस्ट नोट है वो आपका दिल खुश कर देगा। रेब हैप्पी टाइप एग्जॉस्ट नोट है। जितना इसको आप रेब करेंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है इस गाड़ी को चलाते वक्त। लेकिन ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स, हर एक गाड़ी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो आइए बात करते हैं TVS Apache 182V के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर। सबसे पहला इसका नेगेटिव है इसका लो प्रोफाइल टायर। एक 180cc बाइक में रेयर में आपको 100x80 सेक्शन के टायर मिलता है, जो कि एकदम बेयरेबल नहीं है। इनफैक्ट FZS V3 में भी आपको 140 सेक्शन के टायर मिलते हैं, और यहाँ पर जो टायर आपको इस गाड़ी में दिया गया है वो बहुत ही लो प्रोफाइल है। दूसरा इस गाड़ी का सबसे बड़ा नेगेटिव है जिसके लिए लोग परेशान हो जाते हैं इस गाड़ी को लेकर, वो है वाइब्रेशंस। इस गाड़ी में आपको वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे। हालांकि BS4 के मुकाबले BS6 में वाइब्रेशंस काफी हद तक कम हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इस गाड़ी के टॉप एंड में आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस महसूस होंगे। गाड़ी को जैसे ही आप 70 से ऊपर भगाएंगे तो वाइब्रेशंस आपको फील होना शुरू हो जाएगा। वाइब्रेशंस आपको मल्टीपल जगह पर महसूस होंगे, जैसे कि फुटपैक्स पे, टैंक्स पे, मिरर्स पे वाइब्रेशंस आपको दिखेंगे, और ये वाइब्रेशंस हाईवे टूरिंग के लिए एकदम अच्छा नहीं है, ये आपको इरिटेट कर देगा। तीसरा इसका बड़ा नेगेटिव है, इस गाड़ी में आपको हैलोजन लाइट ही मिलता है, LED लाइट्स नहीं मिलते हैं। अब एक 180cc बाइक है और कस्टमर इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो TVS कस्टमर्स को आराम से एक LED हेडलाइट तो ऑफर कर ही सकता था। लेकिन BS6 अपग्रेड के बाद भी इसमें वही लाइट आता है जो BS4 में आता था, और ये लाइट्स लॉन्ग राइड के लिए, नाइट ड्राइविंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आप इससे नाइट ड्राइविंग करना चाहते हो तो आपको अलग से लाइट लगाने की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। चौथा इसका नेगेटिव है इसका लुक। अब इसको आप नेगेटिव में भी काउंट कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका लुक पसंद आता है तो बहुत सारे लोगों को इसका लुक आउटडेटेड लगता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो इसका लुक को मैं नेगेटिव पॉइंट्स के हिसाब से ही देखूंगा, क्योंकि इसका लुक 2021 में अब थोड़ा सा आउटडेटेड लगने लग गया है। सेम कहानी है मीटर कंसोल की भी, वही एक सेम मीटर कंसोल देख देख के बोर हो चुके हैं हम जैसे कस्टमर्स। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका लुक पसंद भी आता है, और इस वजह से ही शायद इस बाइक का सेल्स फिगर भी काफी अच्छा है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपके दिल में Apache 182V को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आंसर जरूर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें।